बिसमिल्ल अस्सलाम असलकुम दोस्तों इर्समी कफ़ील ख़ान जी तो आज का हमारा जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लेसन नंबर फाइव और इसका पार्ट वन है जी आपको बताया हुआ है कि पार्ट वन और टू उस लेसन के होते हैं जो लेसन लंबा होता है एक वीडियो में कवर आप नहीं हो सकता तो दोस्तों कोई भी लेसन आपने मिस नहीं करना हर लेसन के जो है वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी लेसन आप मिस करेंगे तो उसमें से अगर तीन चार क्वेश्चन भी पाँच भी आ जाते हैं तो आप फेल हो जाएंगे क्योंकि आपको पता है कि पास होने का जो है वो बहुत स्ट्रिक रूल है फिफ्टी में से आपने फोर्टी थ्री मार्क्स लेने होते हैं और फोर्टी थ्री लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है तो आज का लेसन है जी फाइव पार्ट वन देर किए बग़ैर चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे अगर आप नए हैं तो दोस्तों मुझे जो है वो सब्सक्राइब कर दें और आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ जो हैं वो मालूमती वीडियोज़ आपको मिलती रहें तो चलते हैं जी अपनी स्क्रीन पर और देखते हैं कि आज का लेसन हमारा कौन सा है नंबर फाइव जी तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं जी अपने लेसन की तरफ ठीक है जैसा कि आप ये देख लें टॉपिक्स थे हमारे नंबर वन टू थ्री फोर ये चार हमारे हो गए हैं जी और आज का जो है वो है नंबर फाइव हैज़र्ड अवेयरनेस वेरी वेरी इम्पोर्टेंट जी ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपने इसको स्किप नहीं करना मिस नहीं करना तैयारी जो है वो आपने सारी देखनी है शुरू से ले के आखिरी क्वेश्चन तक तो हमारा तरीका ये होता है कि जो लंबा लेसन होगा हम उसको करेंगे फॉर एग्जांपल इसके सेवेंटी एट क्वेश्चन हैं तो हम फोर्टी आज कर लेंगे और फोर्टी या थर्टी एट कल कर लेंगे ठीक है जी तो शुरू करते हैं जी हैजर्ड अवेयरनेस को जी आ गए जी हैजर्ड अवेयरनेस पे और शुरू करते हैं चलें जी हमारा पहला सवाल है जी पहला हमारा क्वेश्चन है जी यू इंटेंड टू टर्न लेफ्ट एट दी ट्रैफिक लाइट्स व्हाट शुड यू डू जस्ट बिफोर टर्निंग आप इस लाइट के पास खड़े हैं आप लेफ़्ट टर्न करना चाहते हैं आपको क्या करना है या क्या करना चाहिए मुड़ने से पहले चेक योर राइट मिरर अपना राइट मिरर देखना है मूव अप क्लोजर टू दी कारड अगली गाड़ी के पास मूव हो जाना है मूव आउट टू दी राइट राइट की तरफ मूव हो जाना है चेक बिफोर साइकिल ऑन योर लेफ्ट हमेशा जब हमने लेफ़्ट मुड़ना है तो लेफ़्ट मिरर देखेंगे और ख़ास तौर पे देखेंगे कि चेक फोर बाईसकल मोटरसाइकिल या जो साइकिलें होती हैं वो अक्सर नज़र नहीं आती तेज़ होती हैं गाड़ी के ब्लाइंड स्पॉट होते हैं उनमें वो नजर नहीं आती लिहाजा हमने जो है वो चेक फॉर से कॉलोनी और लेफ़्ट आंसर है इसका जी द्रोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं आहिस्ता आहिस्ता स्पीड अप करते हैं लेसन लंबा हो जाता है मेरी कोशिश ये होती है जितना जल्दी मैं कवर अप कर सकूं यू आर ड्राइविंग ए कार फिटेड विद एटोमेटिक ट्रांसमिशन व्हेन वुड यू यूज़ किक डाउन आप जी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली गाड़ी चला रहे हैं ठीक है वैन वुड यू यूज़ ए किक डाउन आप नीचे की तरफ उसको किक डाउन कब करते हैं टू इंगेज क्रूज कंट्रोल टू एक्सेलीट क्विकली टू ब्रेक प्रोग्रेसिवली टू इम्प्रूव फ्यूल इकॉनमी तो हमने जी जब एक्सलेटर देना होता है तो पैडल को नीचे की तरफ जो है ना वो दबाते हैं तो एक्सेलरेट क्विकली ठीक है इसको चेक करते हैं जी आंसर है दुरुस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अगला सवाल है जी व्हाट टाइप ऑफ व्हीकल डिस्प्ले दिस येलो साइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है जब इस तरह के आपको पिक्चर नज़र आए तो ये जो है ये डिस्प्ले ये पिक्चर आपको नज़र आएगी स्कूल बस के ऊपर ठीक है जी सीधा जाना है हमने दूसरे पढ़ नहीं, नहीं। आपकी इतनी तैयारी हो कि आपको ये साइन नज़र आए और आपको जुबानी हो याद के यार ये तो स्कूल जो है वो बस पे होता है हम स्कूल बस पे करके आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी अगला सवाल है जी व्हाट शुड यू डू इफ इट्स रेनिंग एंड यू आर फॉलोइंग दिस लॉरी ऑन मोटरवे आप जो है जी बारिश हो रही है आपको क्या करना चाहिए आप जो है वो इस गाड़ी को मोटर वे पे फॉलो कर रहे हैं सवाल आप देख लें जी सवाल जवाब इसके क्या है ठीक है तो अलाउ टू सेकंड गैप सेपरेशन दो सेकंड का गैप देना है स्विच योर हैड लाइट्स ओन टू मेन बीम मेन बीम पे रखनी है अपनी लाइट्स ठीक है मूव इनटू टू दी लैन दैट लेस स्प्रे इस लाइन में जाना है जिसमें स्प्रे कम हो बी अवेयर ऑफ स्प्रे रिड्यूसिंग योर वीन तो हमने हमेशा ये करना है जी कि जो है ना बी अवेयर ऑफ स्प्रे रिड्यूसिंग योर विजन तो बिल्कुल जी हमने अवेयर रहना है कि ये जो स्प्रे है ये हमारा आगे का वी जो है वो ब्लॉक तो नहीं कर रही या कम तो नहीं कर रही ठीक है जी तो चेक करते हैं इस आंसर को कि आंसर हमारा दुरुस्त है जी आंसर हमारा बिल्कुल दुरुस्त है जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों अगला सवाल है जी वट विल बिकम मोर एक्सपेंसिव आफ्टर यू हैव बीन ऑफ ड्राइविंग अन अनफिट थ्रू ड्रिंक और ड्रग्स आपका क्या एक्सपेंसिव हो जाएगा जी जब आप पकड़े गए हैं या कन्विक्टड ऑफ ड्राइविंग अन अनफिट थ्रू ड्रिंक और ड्रग्स आपने शराब पी हुई है अल्कोहल पी हुई है तो क्या चीज़ जो है वो एक्सपेंसिव होगी रोड फुल फंड लाइसेंस इंश्योरेंस प्रीमियम व्हीकल टेस्ट सर्टिफिकेट ड्राइविंग लाइसेंस इंश्योरेंस प्रीमियम जो है जी वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी पैसे उसके बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों अगला सवाल है जी वाई मस्ट यू टेक ग्रेट केयर वेन यू एमर्जिंग फ्राम दिस जंक्शन आपने जी बहुत ख्याल एक्स्ट्रा ख्याल क्यों रखना है जब आप इस जंक्शन से एमार्ज हो रहे हैं यहाँ पर क्या है जी दी रोड सर्फेस इज़ पुअर रोड का सर्फेस पुअर है दी फुट पाथ इज़ नेरो फुटपाथ तंग है दी कर्ब्स आर हाई कर्ब जो हैं वो ये साथ जो बने होते हैं इनको कर्ब्स कहते हैं फ़ुटपाथ ये आई हैं जी दी व्यू इज़ रिस्ट्रिक्टेड या आपका जो है वो व्यू आगे ब्लॉक हुआ, हुआ हुआ है रिस्ट्रिक्टेड है तो बिल्कुल जब आप इधर आएंगे तो देखेंगे ये भी है ये भी आगे पौधे लगे हुए हैं तो हमारा व्यू जो है वो रिस्ट्रिक्टिड हुआ हुआ है आगे क्लियर नज़र नहीं आ रहा आंसर चेक करते हैं आंसर है जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों अगला सवाल है जी यू टेक सम कॉफ मेडिसन गिवन टू यू बाय ए फ्रेंड व्हाट शुड यू डू बिफोर ड्राइविंग योर कार आपके दोस्त ने जी आपको खांसी की दवाई दी है आपने ली हुई है व्हाट शुड यू डू बिफोर गिविंग योर ड्राइविंग योर कार आप अपनी गाड़ी चलाने से पहले क्या करेंगे आस्क योर फ्रेंड इफ़ टेकिंग द मेडिसन इफेक्ट दोस्त से पूछेंगे जी कि मैं जब ड्राइव करूँगा तो मैं इफ़ेक्ट तो नहीं हूँ ड्रिंक सम स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी या स्ट्रॉग कॉफ़ी पियएंगे एक घंटा पहले चेक दी लेबल टू सी इफ़ दी मेडिसन विल इफेक्ट योर ड्राइविंग आप खुद उस दवाई का जो है वो मेडिसन का लेबल चेक करेंगे कि उसके ऊपर जो है वो इफेक्ट तो नहीं करेगी आपकी ड्राइविंग को या उसमें कोई नशा तो नहीं है नशे वाली कोई दवाई तो नहीं है वो ड्राइव ए शॉर्ट डिस्टेंस टू सी इफ़ दी मेडिसन सो महाराज जी हमने ये देखना है ख़ुद से देख लेना है चेक दी लेबल टू सी इफ़ दी मेडिसन विल इफेक्ट योर ड्राइविंग कि ये जो मैंने दवाई खांसी की कफ की ली हुई है ये इफेक्ट तो नहीं करेगी मेरी ड्राइविंग को आंसर है जी बिल्कुल दुरुस्त अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों मूव करते हैं अगला सवाल है जी यू आर द साइकिलिस्ट व्हेन द ट्रैफिक लाइट्स चेंज व्हाट शुड यू डू आप इस साइकिल वाले के पीछे हैं जैसे त्र, ये ट्रैफिक लाइट्स चेंज होती है तो आपने क्या करना है या क्या करना चाहिए ट्राई टू मूव ऑफ बिफोर दि साइकिल साइकिल वाले से पहले आप निकल जाएँ अलाउ दी साइकिलस्ट टाइम एंड रूम साइकिल वाले को टाइम और स्पेस दें जी टर्न राइट बट गिव दी साइकिलिस्ट रूम राइट हो जाए लेकिन साइकिल वाले को स्पेस दें टैप योर हॉर्न आप अपना हॉर्न बजाएँ एंड ड्राइव थ्रू फास्ट पहले निकल जाएँ हम हमेशा ये करेंगे जी अलाउ दी साइकिलस्ट टाइम एंड रूम साइकिल वाले को टाइम और स्पेस देंगे ठीक है जी आंसर है अद्रोज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों अगला सवाल आ गया जी व्हाट शुड यू डू एज यू अप्रोच दिस साइकिलस्ट आप इस साइकिलिस्ट के पास पहुंच जाते हैं अप्रोच करते हैं तो क्या करेंगे ट्राई टू ओवरटेक बिफोर द दाइकलिस गेट्स टू द जंक्शन जंक्शन से पहले साइकिलस्ट को जो है वो ओवरटेक कर लेंगे फ्लैश योर हेड लाइट्स हेड लाइट्स जो है वो फ्लैश करेंगे स्लो डाउन एंड अलाउ दी साइकिलस्ट टू टर्न या योर इंजन सो हमेशा करेंगे जी स्लो डाउन एंड अलाउ साइकिल जहाँ पर भी साइकिलस्ट जा रहा है उसको अलाउ करना है कि वो किधर जा रहा है और क्या कर रहा है दोस्त है आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अगला सवाल है जी वाई आर प्लेस नेम्स पेंटेड ऑन द रोड सर्फेस नेम जो है जी वो क्यों पेंटेड होते हैं रोड सर्फेस पे ना ठीक है टू रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ ट्रैफिक ट्रैफिक का जो फ्लो है रोड पे उसको जो है वो कम करने के लिए या रिस्ट्रिक्ट करने के लिए टू वार्न ऑफ दी ऑनकमिंग ट्रैफिक आगे से जो ट्रैफिक आ रही है उनको वार्न करने के लिए टू हेल्प यू सेलेक्ट द करेक्ट लैन इन गुड टाइम जी के आप जो है वो अपनी लाइन में चले जाएँ अच्छे वक्त में टू प्रिवेंट यू फ्राम चेंजिंग द लैन तो इसका मतलब ये होता है जी कि मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल राइट जाना है आगे साइन बोर्ड है लिखा हुआ है तो हम जो है वो दूर से ही अपनी राइट हैंड लैन में चले जाएँगे टू हेल्प यू सेलेक्ट द करेक्ट लाइन हमने जिस लाइन में जाना है उसको सेलेक्ट कर लेना है अच्छे वक्त में ना ये नहीं है कि रश पड़ी हुई है फिर आप इंडिकेटर लगा के अंदर जा रहे हैं दूसरा जो है वो ख़तरा होता है आंसर है जी दुरुस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी अगला सवाल है हाउ कैन ड्रिंकिंग अल्कोहल इफेक्ट योर एबिलिटी टू ड्राइव और राइड आपने अल्कोहल पी हुई है जी वो कैसे जो है वो आपको इफेक्ट कर सकती है ड्राइव या राइड करने से योर एबिलिटी टू जज स्पीड विल बी रिड्यूस आपकी जो है वो स्पीड जज करने की एबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी योर कॉन्फिडेंस विल बी रिड्यूस आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा योर रिएक्शन विल बी फास्टर आपका रिएक्शन फ़ास्टर होगा योर अवेयरनेस ऑफ डेंजर विल बी इम्प्रूवड सो जी योर रिएक्शन विल बी फास्टर आपने रिएक्शन जो है वो बड़ा फास्ट देंगे अगर आपने अल्कोहल पी हुई है कोई ड्रिंक पी हुई है तो आप रिएक्शन बड़ा जल्दी देंगे लिहाजा चेक करते हैं आंसर है जी इसका इनकरेक्ट योर एबिलिटी टू जज द स्पीड विल बी रिड्यूस्ड कि आपकी जो है जी योर एबिलिटी कि आप कितनी स्पीड पे जा रहे हैं वो आपकी एबिलिटी कम हो जाएगी ये हमारा एक क्वेश्चन जो है वो इनकरेक्ट हुआ है जी डजेंट मैटर हम इसको छोड़ेंगे और एंड पे एज़ पर पॉलिसी इसको जो है वो नेक्स्ट करेंगे अगला जी आ गया व्हाट शुड यू डू इफ ए डॉक्टर प्रिस्क्राइब ड्रग्स दैट आर लाइकली टू इफेक्ट योर ड्राइविंग आपको क्या करना चाहिए जी अगर डॉक्टर ने जो है वो प्रिस्क्राइब ड्रग्स दैट आर लाइकली योर ड्राइविंग आपकी जो है वो गाड़ी ड्राइविंग को इफेक्ट कर सकती है ओनली ड्राइव इफ़ समन इज़ विद यू सिर्फ उस वक्त चलाएं जब आपके साथ कोई हो वाइड ड्राइविंग ऑन मोटरवेज मोटरवे पर ड्राइव करने से जो बचें जी गेट एल्स टू ड्राइव किसी और को दें जी कि गाड़ी चलाएँ नैवर ड्राइव एट मोटर सो आप जी किसी और को देंगे गेट सम एल्स टू ड्राइव जी तो आंसर है दुरुस्त अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं लेसन बहुत लंबा है जल्दी जल्दी इसको वाइंड अप करते हैं व्हाट इस मेन हैजर्ड यू शो बी अवेयर ऑफ वैन यू फॉलोइंग दिस दाइकलिस्ट आप इस साइकिल्स को फॉलो कर रहे हैं जी तो क्या ख़तरा हो सकता है क्या जो है वो हैज़र्ड है दाइकलिस्ट मे मूव टू दी लेफ्ट एंड डिस माउंट दाइकलिस्ट मेस वियर इंटू द रोड द दाइकलिस्ट मे गेट ऑफ एंड पुश देयर विश टू टर्न राइट एट द एंड ऑफ द रोड तो जी ये है जी के दाइक्लिस्ट मे इस वियर इंटू द रोड जो साइकिल वाला है वो एकदम से रोड में आ सकता है जी ठीक है तो ये आपने ध्यान रखना है इसका आंसर है दुरुस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो मूव करते हैं अगला सवाल है जी व्हाट एडवाइस शुड यू गिव टू दी ड्राइवर हु हुए फ्यूअल कोल्ड ड्रिंक्स एट एज पार्टी किसी ने जी पार्टी में ड्रिंक पी हुई है अल्कोहल पी हुई है तो आप उसे क्या नसीहत करना चाहेंगे हैव ए स्ट्रॉ कप ऑफ कॉफ़ी वो कॉफ़ी का कप पिए ड्राइव होम केयरफुल एंड स्लोली ड्राइव करे जी स्लोली और जो है वो केयरफुली गो होम बाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट वेट शॉर्ट वाइल एंड दैन ड्राइव तो जी उसे यही एडवाइज़ करनी है गो होम बाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो इस्तेमाल करें आंसर है द्रोस्त जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी अगला सवाल है यूर अबाउट टू तो ड्राइव योर कार आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं जी वट शुड यू डू इफ यू कॉट फाइंड द द्लासेज यू नीड टू वीयर आपको वो ग्लासेज वो आन के नहीं मिल रही जो आप पहन के गाड़ी चलाते हैं तो क्या करेंगे ड्राइव होम स्लोली कीपिंग क्वाइट रोड्स खाली रोडों से जो है वो घर की तरफ सफ़र करें बारो या फ्रेंड ग्लासेज दोस्त की जो है वो ग्लासेज ग्लासे मांग लें या बारो कर लें ड्राइव होम एट नाइट सो दैट दी लाइट्स विल हेल्प यू रात को आएँ जी ताकि लाइटें ऑन होती हैं वो आपकी हेल्प करेंगी फ़ाइंड अ वे ऑफ गेटिंग होम विदाउट ड्राइविंग तो हम ऐसा रास्ता तलाश करेंगे जी कि हमें गाड़ी ना चलानी पड़े और हम जो है वो घर पहुँच जाएँ ठीक है जी तो आंसर है दुरुस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अगला सवाल है जी वट टाइप ऑफ व्हीकल कुड यू एक्सपेक्ट टू मीट इन दिस मिडल ऑफ द रोड इस मिडल ऑफ़ द रोड में आप कौन सी गाड़ी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जी लॉरी बाइसिकल कार या मोटरसाइकिल तो इसके मिडल में जी छोटी गा कार होगी तो वो तो अपनी लाइन से गुजर जाएगी लेकिन मिडल में कौन सी गाड़ी आ जाएगी हमेशा जो है वो जब बड़ी गाड़ी आएगी तो वो मिडल में भी आ जाएगी क्योंकि इतनी स्पेस नहीं है ये तंग है तो हम लॉरी करेंगे ठीक है जी वट टाइप ऑफ व्हीकल कुड यू एक्सपेक्ट तो लॉरी को देख के चेक करते हैं जी बिल्कुल लॉरी जी बड़ी गाड़ी होती है वो इधर मिडल में भी आ जाएगी बड़ी होगी तो आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी अगला सवाल है जी हाउ डज ड्रिंकिंग अल्कोहल इफेक्ट योर ड्राइविंग बिहेवियर आपने जी अल्कोहल पी हुई है आपका ड्राइविंग बिहेव जो है वो कैसे जो है वो इफेक्ट होगा इट इम्प्रूव जजमेंट स्किल जजमेंट स्किल इम्प्रूव होगी इट इंक्रीज़ कॉन्फिडेंस इट लीड्स टू फास्टर रिएक्शन इट इंक्रीज़ कॉन्सेंट्रेशन तो जी आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो बढ़ जाएगा जी मैं तो आज शराब पीती ही नहीं तो मैं आज गाड़ी चला सा तो ऐसा नहीं करना दोस्तों ठीक है इट इनक्रीज़ कॉन्फिडेंस आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा ठीक है आप नशे में और आप जो है वो बस कॉन्फिडेंस वाली बातें कर रहे हैं हालाँकि आपसे पैदल भी नहीं चला जाएगा आंसर है द्रोज जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अगला सवाल है जी वट मस्ट यू डू इफ़ योर आई साइड हैज़ बिकम वेरी पुअर एंड यू आर नो लॉन्गर एबल टू मेट द ड्राइविंग आई साइड्स रिक्वायरमेंट आपकी जी नज़र बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है और आप जो है वो आई साइड रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहे ठीक है तो आपने क्या करना है टैल दी ड्राइवर लाइसेंस अथार्टी लाइसेंस इशू करने वाली अथॉरिटी को बताना है डॉक्टर को बताना है पुलिस को बताना है या अपने जो है वो आइस चेकअप वाले को बताना है तो हमने जी डी को बताना है ड्राइविंग अथार्टी वालों को बताना है कि मेरी जो है वो नज़र कमज़ोर है या मैं सही तरीके से देख नहीं पा रहा आंसर दुरुस्त है जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अगला सवाल है जी वट कैन सीरियसली सीरियसली रिड्यूस योर एबिलिटी टू कॉन्सन्ट्रेट कौन सी चीज़ जो है जी वो आपको कॉन्सनट्रेट नहीं करने देगी या कंसनट्रेट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा ड्रग्स बिजी रोड्स टेंट विंडोज़ वैदर कंडीशन ड्रग्स जी आपने ड्रग्स ली हुई हैं तो आपकी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी एबिलिटी कॉन्सट्रेशन की दोस्त आंसर अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों अगला सवाल है जी डू यू नीड टू प्लान रेस्ट स्टॉप वन यू आर प्लानिंग ए लॉन्ग जर्नी डू यू नीड टू प्लान रेस्ट स्टॉप्स आपने जी एक लंबा सफ़र करना है ठीक है एक लंबे सफ़र का प्लान बना रहे हैं तो आपको जो है वो रेस्ट स्टॉप्स कैसे लेने हैं और क्या करना है येस यू शुड प्लान टू स्टॉप एवरी आप आपने हर आधे घंटे बाद रुकना yes, है यस रेगुलरली स्टॉप इन हेल्प कॉन्सेंट्रेशन जी रेगुलर जो स्टॉप हैं उन पर रुकना है नो यू विल बी लेस टायर्ड इफ़ यू गेट देश एज सुन एज पॉसिबल आपने जी रुकना ही नहीं है कम टायर्ड होंगे अगर आप सफर करते रहेंगे नो ओनली फ्यूल स्टॉप विल बी नीडेड या जहाँ पर पे आपसे पेट्रोल डिलवाते हैं पेट्रोल स्टेशन पर पे आप रुकना चाहते हैं तो दुरुस्त आंसर है जी यस रेगुलरली स्टॉप हेल्प कॉन्सेंट्रेशन हमारे जो रेगुलर स्टॉप होते हैं हम सफ़र पर जा रहे हैं जी के हमने यहाँ यहाँ रुकना है तो रेगुलर स्टाफ को जो है वो हम चेक करते हैं और आंसर है द्रोसी अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं अगला सवाल है जी व्हाट शुड यू यूज एज आर वार्निंग लाइट्स व्हेन शुड यू यूज आपको कब करनी चाहिए या आप कब करेंगे जी एज अर वार्निंग लाइट्स ऑन व्हेन यू आर डबल पार्कड ऑन ए मोटर वे जब आप मोटर वे पर पार्क हैं वैन योर डायरेक्शन इंडिकेटर्स आर नॉट वर्किंग या आपके डायरेक्शन इंडिकेटर जो है वो काम नहीं कर का रहे डायरेक्शन मतलब लेफ्ट राइट वाले वन वार्निंग ऑन कमिंग ट्रैफिक दैट यू आर इंटेंट टू स्टॉप या आप अगली ट्रैफिक को बता रहे हैं जी कि मेरा रुकने का इरादा है वैन योर व्हीकल हैज़ ब्रोकन डाउन एंड इज कॉजिंग एन ऑबस्ट्रक्शन आपकी गाड़ी ब्रोकन डाउन हो गई है खराब हो गई है टूट गई है ठीक है और वजह बन रही है ऑबस्ट्रक्शन की व्यू ब्लॉक करने की तो आपने जो है वो एज वार्निंग लाइट्स ऑन कर देनी है दोस्त आंसर जी अगले सवाल की तरफ चलते हैं अगला सवाल है जी वट मस्ट यू डू इफ पुअर हेल्थ इफेक्ट्स योर ड्राइविंग आप क्या करेंगे जी अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है या आपकी इफ़ेक्ट हो रही है ड्राइविंग आपकी सेहत की वजह से इनफॉर्म योर लोकल पुलिस अवॉइड यूजिंग मोटर वे आलवेज ड्राइव कम्पाइंड इनफॉर्म फॉर्म द लाइसेंसिंग अथॉरिटी जब भी आपकी ड्राइविंग में कोई मसलाएँ है, बीमार हैं आपको नजर नहीं आ रहा ठीक है तो आपने हमेशा जो है वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना होता है दुरुस्त आंसर है जी आगे चलते हैं अगला सवाल है जी वाई शुड यू स्लो डाउन एज यू अप्रोच दिस हैजर्ड इस हैजर्ड के पास आप आगे स्लो क्यों होंगे साइन बोर्ड भी लगा हुआ है क्या है जी बिकॉज ऑफ़ द लेवल क्रॉसिंग बिकॉज इट्स हार्ड टू सी दी राइट राइट देखने में मुश्किल हो रही है बिकॉज ऑफ अप्रोचिंग ट्रैफिक या आगे ट्रैफिक आ रही है बिकॉज ऑफ एनिमल क्रॉसिंग या आगे से जानवर जो है वो एनिमल क्रॉसिंग कर रहे हैं तो जी ये साइन आप देख लें येलो साइन बोर्ड लाजमी देखने हैं तब भी आपको अंदाजा होगा तो ये लेवल क्रॉसिंग का लगा बिकॉज दी लेवल क्रॉसिंग ठीक है जी आंसर है दुरुस्त अगले सवाल की तरफ चलते हैं अगला सवाल है जी वट शुड यू डू इफ यू बी गन टू फील ड्रोजरी ड्रोजी वाइल यू आर ड्राइविंग आपको क्या करना चाहिए जी आपको नींद आ रही है गंदूदगी आ रही है ठीक है गाड़ी चला रहे हैं स्टॉप एंड रेस्ट एज सुन एज पॉसिबल स्टॉप करें जी जितना जल्दी हो सके ठीक है टर्न दी हीटर आप हीटर को जो है वो ज़्यादा पे कर दें ताकि कंफर्टेबल फील हों गर्म फ़ील हो क्लोज दी कार विंडो टू तो हेल्प यू कॉन्सेंट्रेट विंडो बंद कर दें गाड़ी की कंटिन्यू विद्योर जर्नी बर ड्राइव मोर स्लोली सफ़र जारी रखें लेकिन आहिस्ता हो जाए स्टॉप एंड रेस्ट एज सुन एज पॉसिबल आपने रुक जाना है जी जितना जल्दी पॉसिबल हो ठीक है जी दुरुस्त आंसर है आगे चलते हैं जी अगला सवाल है जी वाई शुड यू रिड्यूस योर स्पीड हेयर आपने यहाँ पर अपनी जो है वो स्पीड रिड्यूस क्यों करनी है ये दो साइन बोर्ड भी लगे हुए हैं इस्ट्राज जंक्शन इज इस ऐड ए लो ब्रिज इज़ एड द रोड सर्फिस चेंज एड दोड नरोज़ एड क्या है जी इसमें ए बी सी डी वाट इज़ दी करेक्ट आंसर दोस्तों ये साइन बोर्ड आपने देखने है और उसके बाद जो है वह आपने देखना है तो हम चाहते हैं जी दी रोड सर्फिस चेंज एड या जाएगी इस स्ट्रैटि जंक्शन इज़ एड सो आंसर दुरुस्त है जी आगे जो है साइन बोर्ड देख के साइन बोर्ड लाजमी देख रहे हैं अगर नहीं देखेंगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि जो आप क्या देना है ठीक है जी जंक्शन आ रहा है आगे तो हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो मूव करते हैं अगला सवाल है जी वट हैजर शुड यू बी अवेयर ऑफ ट्रेवलिंग अलॉन्ग दिस स्ट्रीट आप इस जो है वो स्ट्रीट में जो है वो गाड़ी चला रहे हैं तो क्या ख़तरा हो सकता है ग्लेयर फ्राम दन लैक ऑफ़ the रोड मार्किंग children रनिंग out व्हीकल लार्ज गुड्स व्हीकल जी बच्चे जो है वो गाड़ियों से निकल के आ सकते हैं मतलब साइडों से स्ट्रीट है तो घरों से निकल के आ सकते हैं बच्चे एकदम से बाय रोड के तो आपने बी अवेयर होना है चिल्ड्रन रनिंग आउट बिटवीन द व्हीकल्स दुरुस्त आंसर है आगे चलते हैं जी अगला सवाल है जी विच टाइप ऑफ ग्लासेज वुड मेक ड्राइविंग एट नाइट मोर डिफिकल्ट कौन सी ग्लासेज जो हैं जी वो रात को डिफ़िकल्ट बना देती हैं आपकी ड्राइविंग ड्राइविंग करने में मसला आता है ऑफ मून राउंड बिफोकल या टेंटेड, टेंटेड जी आपको बता देता हूँ टेंटेड का मतलब क्या होता है रंगी हुई है एनके जिन पे रंग हुआ होता है ठीक है वो डैशिंग किस्म की कलर वाली जो है वो एनके मसला करती हैं ड्राइविंग में दोस्त है जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी अगला सवाल है जी वट शुड यू डू अबाउट ड्राइविंग इफ़ यू हैव बीन टेकिंग मेडिसन दैट कॉज आपने जी ड्राइविंग कर रहे हैं आपने मेडिसन ली हुई है और उसकी वजह से आपको नींद आ रही है गनूदगी आ रही है ओनली ड्राइव इफ़ यू जर्नी इज़ नेसेसरी सिर्फ उस वक्त ड्राइव करें जब जो हो, तो ड्राइव क्वाइट रोड खाली रोडों पर सफर करें ऑस टू कम विद यू किसी को बोलो जी मेरे साथ आओ ओवर ड्राइविंग एंड चेक विद योर डॉक्टर अवॉइड करें डॉ जो है वो ड्राइव करने से और अपने डॉक्टर को चेक करवाएं द, जो आप दुरुस्त आगे चलते हैं जी अगला सवाल है जी व्हाट शुड यू डू एज यू अप्रोच दिस ओवर हैड ब्रिज आप इस ओवर ब्रिज पे आते हैं जी ठीक है तो क्या करना है आपने मूव आउट टू दी सेंटर ऑफ़ द रोड सेंटर में आ जाना है जी ठीक है फाइंड एंड अदर रूट कोई और रास्ता देख लेना है दिस वन इज़ ओनली फॉर हाई व्हीकल ये सिर्फ हाई गाड़ियों के लिए बी प्रिपेयर टू गिव वे टू दी लार्ज व्हीकल इन दी मिडल ऑफ द रोड मूव क्रॉस टू दाम ने जी बिल्कुल रेडी होना है कि एकदम से आगे से अगर बड़ी गाड़ी आ जाती है तो वो जो है वो दोनों लाइने इस्तेमाल करेगी क्योंकि छोटी कार तो अपनी लाइनों में जाएगी लेकिन लॉरी बस आ जाती है ठीक है तो वो जो है वो इधर सेंटर में आ जाएगी लिहाजा बी प्रिपेयर टू गिव वे हमने जो है वो तैयार होना है रास्ता देने के लिए लार्ज व्हीकल बड़ी गाड़ी को मिडल ऑफ द रोड दिडल में वो आ जाएगी आंसर है जी दुरुस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अगला सवाल है जी व्हाट शुड यू डू इफ द व्हीकल स्टार्ट्स रिवर्सिंग ऑफ द ड्राइव वे एक गाड़ी जी अपने घर से बाहर आ रही है ड्राइव वे से बाहर रोड पे निकल रही है तो आपने क्या करना है मूव टू दी अपोजिट साइड ऑफ द रोड साइड की दूसरी तरफ हो जाएंगे ड्राइव थ्रू एज यू हैव प्रायरिटी आप गुजरेंगे मेन रोड पे क्योंकि आपकी प्रायरिटी है साउंड योर हॉर्न एंड बी प्रिपेयर टू स्टॉप हॉर्न देंगे और स्टॉप होने के लिए आप तैयार रहेंगे स्पीड अप एंड ड्राइव थ्रू क्विकली जल्दी से स्पीड दे कर निकल जाएंगे तो जी साउंड योर हॉर्न क्योंकि उस बंदे को नजर नहीं आ रहा आप देख सकते हैं आधी गाड़ी बाहर है आधी ड्राइव थ्रू के अंदर है तो हम जो है वो हमेशा साउंड योर ऑर्न एंड बी प्रिपेयर टू स्टाफ उसको अलार्म करेंगे जी कि हम जो है वो पीछे हैं तो हॉरन लाजमी भी जाएंगे दुरुस्त आंसर आगे चलते हैं जी अगला सवाल है जी यू नीड ग्लासेस टू रीड ए व्हीकल नंबर प्लेट एट रिक्वायर्ड डिस्टेंस व्हेन मस्ट यू वीयर दैम आपको जी ग्लासेज चाहिए एनकें चाहिए नंबर प्लेट पढ़ने के लिए ठीक है जी जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस होता है वैन मस्ट यू वीयर दैम आपने वो एन के ग्लासेज कब पहनी होती हैं ओनली इन ए बैड वैदर सिर्फ बैड कंडीशन में जब वैदर बैड है वैन एवर यू आर ड्राइविंग जब भी आप ड्राइव करेंगे वैन यू थिंक इट्स नेसे सी जब आपको लगे कि लाजमी है जी एन के पहना ओनली एट नाइट टाइम या सिर्फ रात को पहनेंगे वैन एवर यू ड्राइविंग जब भी आप ड्राइविंग करेंगे आपने वो ग्लासेज लाजमी पहनी होगी दुरुस्त आंसर जी आगे चलते हैं दोस्तों अगला सवाल है जी वेयर वुड इट बी अनसेफ़ टू ओवरटेक कहाँ पे जी ओवरटेक करना अनसेफ होता है ख़तरनाक हो सकता है ऑन उन्हें सिंगल कैरेज वे सिंगल कैरेज वे पे वन वे स्ट्रीट में अप्रोचिंग एट ए जंक्शन ट्रैवलिंग आप लॉन्ग हिल किस जगह पे जी ओवरटेक करना जो है वो ख़तरनाक साबित हो सकता है अप्रोचेंगे जंक्शन जी हम जंक्शन के पास पहुँच रहे हैं तो स्पीड नहीं देंगे क्योंकि आगे जंक्शन में हमने रुकना है अगर आप ओवरटेक करेंगे तो आगे एक्सीडेंट का खतरा है ठीक है जी दुरुस्त हो गया आगे चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगला सवाल आ गया जी वट शुड यू दी ड्राइवर ऑफ दी रेड कार एरोडो ये रेड कार वाला जी क्या करेगा ये यह यहाँ से ये पेस्ट्रीन गुजर रहे हैं पीछे से गाड़ियाँ आ रही हैं ये साइड पर भी खड़े हैं वेव टू द दियन पेडिस्ट्रियन पे वेव करेगा वेट फॉर द दिन पेडिस्टियन के लिए वेट करेगा इन दी रोड टू क्रॉस क्विकली ड्राइव बिहाइंड द दिनियन ठीक है जी टेल पेडिस्टियन सो जी वेट फॉर दिनियन इन द रोड अक्रॉस वो वेट करेगा पेडिस्टियन जो है वो रोड पे है ठीक है चेक माई आंसर आंसर है इसका जी दुरुस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी विच टाइप ऑफ व्हीकल शुड यू बी रेडी टू गिव वे टू एज यू अप्रोच दिस ब्रिज ठीक है जी सिमिलर क्वेश्चन आ गया है तो आप देखें जी हमने क्या करना है ठीक है जी बसेस बाइसिकल बसेस मोटरसाइकिल कार तो बड़ी गाड़ियां जी हमेशा जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से आ जाएंगी चेक करते हैं आंसर है द्रोस्त जी अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ें जी मेरी एक छोटी सी कॉल आ रही है मैं अटेंड नहीं करूँगा आप क्वेश्चन पढ़ के आंसर भी देखें तो फिर मैं भी आता हूँ चलें जी आ गए हैं जी नेक्स्ट वापस आ गए हैं जी देखते हैं जी सवाल क्या था और जवाब क्या है वाट शुड यू डू इफ़ यू बिकम टायर्ड वाइल यू आर ड्राइविंग उन्होंने मोटर वे मोटर वे पर गाड़ी चला रहे हैं थक गए हैं क्या करेंगे जी पुल आप दी आर्ड शोल्डर एंड चेंज ड्राइवर्स ड्राइवर चेंज करेंगे जी आर्ड शोल्डर पर रुके लीव द मोटर वे एड द नेक्स्ट एग्जिट इंक्रीज़ योर स्पीड क्लोज हम जी लीव द मोटर वे को छोड़ देंगे नेक्स्ट एग्जिट पर और थोड़ा सा रेस्ट करेंगे आंसर है जी दरोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी अगला सवाल है जी यू आर ड्राइविंग टूर्ड दिस लेवल क्रॉसिंग वट वुड बी फर्स्ट वार्निंग ऑफ एन अप्रोचिंग ट्रेन आप इसके पास पहुंच गए हैं जी क्रॉसिंग के पास ठीक है वट वुड बी फर्स्ट वार्निंग ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन आपको क्या चीज़ बताएगी जी कि ट्रेन आ रही है कौन सा साइन बताएगा ये जी बोथ ऑफ बैरियर्स डों दोनों बैरियर नीचे होंगे तो आप आइडिया लगाएंगे बस आ, ओ, ट्रेन आ रही है ये स्टेडियम पर लाइट अंबर लाइट जो है वो फ्लैश कर रही है वन ऑफ बैरियर डोन एक बैरियर डोन होगा टू इन फ्लैशिंग रेड लाइट्स या रेड लाइट फ्लैश कर रही हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा तो बिल्कुल जी स्टेडी अंबर लाइट्स जो है वो जब येलो uh, जिसको कहते हैं या ऑरेंज कहते हैं वो लाइट जब ब्लिंक कर रही होगी तो हमें आइडिया हो जाएगा कि जो है वो ट्रेन आ रही है आंसर है दरोस्त जी अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी चार क्वेश्चन रह गए हैं कल यहाँ से ही फिर शुरू करेंगे यू आर वेटिंग टू एमर्ज ए जंक्शन योर व्यू इज़ रिस्ट्रिक्टेड बाई पार्क व्हीकल वट कैन हेल्प यू यू टू सी ट्रैफिक ऑन द रोड यू आर जॉइनिंग आप जी वेट कर रहे हैं जंक्शन में मर्ज होने के लिए आपका जो है वो व्यू रिस्ट्रिक्टेड है पार्क व्हीकल एक गाड़ी खड़ी हुई है उसने आपका व्यू ब्लॉक किया हुआ है व्हाट कैन हेल्प यू टू सी ट्रैफिक ऑन द रोड यू आर जॉइनिंग आप क्या चीज़ हेल्प करेगी जी कि आपको ट्रैफिक नज़र आए कि जब आप आगे ज्वाइन करें लुकिंग फॉर द ट्रैफिक बेड्स यू पीछे ट्रैफिक को देखना है रिफ्लेक्शन ऑफ द ट्रैफिक विंडो गाड़ियों की जो है वो रिफ्लेक्शन अक्स देखने हैं गाड़ियों की विंडो में मेकिंग आइज़ कॉन्टैक्ट विद अदर रोड यूज़र मेकिंग फॉर ट्रैफिक इन योर इंटीरियर मेर तो हम जी जो रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रैफिक होंगे वो हमें नज़र आ जाएंगे विंडो में ठीक है जी गाड़ियों के जो अक्स होंगे तो आंसर बिल्कुल दुरुस्त है अगले सवाल की तरफ चलते हैं जी

आप गाड़ी ना चलाएं जी जब तक आप फिट नहीं हो जाते प्रॉपर टेक आ लिये और मेडिसिन भी दिये या अपनी दवाइयाँ अपने साथ रखें तो स्टॉप ड्राइविंग जी जब तक हम ठीक नहीं हो जाते तब तक हम दोबारा गाड़ी नहीं चलाएंगे आंसर है द्रोस जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वुड यू एक्सपेक्ट टू तो सी दीज मार्क्स ये मार्क्स आपको कहाँ पे नज़र आएंगे मोटरवे साइन है रेलवे ब्रिज पे हैं उन लार्ज गुड व्हीकल पे हैं या डाइवर्जन साइन पे हैं तो इस तरह के साइन जो हैं वो हमेशा आपको बड़ी गाड़ियों पे सामान वाली जो ट्राले होते हैं ट्रक होते हैं जो है उन पे नज़र आएगी उन्हें लार्ज गुड्स व्हीकल ठीक है जी दोस्तों ये बिल्कुल दुरुस्त है जी आखिरी हमारा क्वेश्चन है जी और देखते हैं उसको यू वॉन्ट टू टर्न लेफ्ट एट दिस जंक्शन आप इस जंक्शन पर लेफ़्ट करना चाहते हैं वट शुड यू डू इफ़ योर व्यू ऑफ़ मेन रोड इज़ रिस्ट्रिक्टेड आपका मेन व्यू जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है जी आप क्या करेंगे स्टे वेल बैक एंड वेट टू सी एनी एनी थिंग कम्स आप आराम से बैठ जाएंगे और देखेंगे कोई चीज़ तो नहीं आ रही बुलेट अप योर स्पीड दैट यू कैन इमर्ज क्विकली आप अपनी स्पीड बढ़ाएंगे ताकि जल्दी से मर्ज हो जाए स्टॉप एंड अप्लाई दी पार्किंग ब्रेक द रोड इज क्लियर ब्रेकें लगाएंगे जी पार्किंग ब्रेक भी रुक जाएंगे देखेंगे या अप्रोच स्लोली एंड एज आउट अनटिल यू कैन सी मोर क्लियरली आप थोड़ा सा आगे जाएंगे जी स्लोली स्लोली ठीक है ताकि आप मजीद आगे क्लियर देख सकें तो दुरुस्त आंसर भी यही है तो चेक करते हैं आंसर है जी हमारा दुरुस्त दुरुस्त आज, आज आप देख सकते हैं हमारे चालीस क्वेश्चन हुए हैं है, सेवेंटी में से कम हम कल हम जो है वो थर्टी करेंगे तो चला गया है ये लेसन थर्टी मिनट्स पे दोस्तों आज हमारा एक गलत हुआ है कोई बात नहीं गलत होता है परेशान नहीं होना हम लोग तैयारी कर रहे हैं और इन जो है वो कॉलम जो हमारा इनकरेक्ट हुआ था उसको भी करेक्ट कर लेंगे आज के लिए मुझे दें इजाज़त कल इनशाला जो है वो नए लेसन के साथ इसी के पार्ट टू के साथ जो है वो आपके साथ मौजूद होंगे और इन हम अपनी तैयारी जारी रखेंगे गाइज़ प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी मुझे सपोर्ट करते रहे ताकि इस तरह जो है वो आप लोगों को भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे मुझे दें इजाज़त अल्लाह हाफ